हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एमपी कांस्टेबल यानी एमपी आरक्षक के एग्जाम के लिए नया सिलेबस, नई स्ट्रेटजी और नई पूरी डिटेल लेकर आए हैं। अब ये जो पूरी डिटेल है, ये पूरी अपडेट है, ये पिछले साल से रिलेटेड है, पर अपडेट करके इनको हम आपके लिए लेकर आए ताकि आपके सभी तरह के जो क्वेश्चन आप बार बार पूछ रहे थे उनका जवाब आपको मिल पाए। तो गाइस, इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन आपके कलेक्ट कर लिए हैं, सभी क्वेश्चनों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो भर्ती है कब आएगी, कितनी पोस्ट पर आएगी, इसमें आयु सीमा क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी। सबसे बड़ा सवाल है कि आपका कि इसमें सिलेबस जो नया सिलेबस है ये क्या रहेगा, इसकी योग्यता और इसकी आप तैयारी अच्छे से कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा फ्री में आप स्टडी कैसे कर सकते हैं। गाइस, सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है कि कुल 200 अंक का पेपर होगा या 100 अंक का पेपर होगा, तो ये पूरे जो आपके डाउट है इनका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। उससे पहले हम आपको बता दें, गाइस, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की तैयारी के लिए इस चैनल पर अब आपको डेली वीडियोज मिलेंगे। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो हाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। और यदि अगर आपका जवाब हाँ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से हमें बता दीजिएगा ताकि हमें पता चल पाए। और हम वैसे भी आपके लिए ये क्लास स्टार्ट करें, बट आप मोटिवेट रखने के लिए हमें, हमारा जज्बा और बढ़ाने के लिए, ताकि हम आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोज लेकर आए, उसके लिए आप हमें एक बार कमेंट में कमेंट करके या जय हिंद लिख के जरूर से बता दीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी करंट की अपडेट होती है, इसके अलावा वैकेंसीज की रिलेटेड जो भी अपडेट होती है, सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही डालता हूँ, तो आप टेलीग्राम को जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ले रहे, अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर हम इन पॉइंट पर बात करेंगे, नई भर्ती कब आएगी, कितनी पोस्ट पर ये वैकेंसी आएगी, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे। नई भर्ती में आयु सीमा क्या रहेगी आपकी, इसका सिलेबस क्या रहेगा नया सिलेबस, इसकी योग्यता क्या रहेगी, नई एलिजिबिलिटी हो सकता है इसमें मांग ली जाए क्योंकि पूरा चेंज हो चुका है सिलेबस वगैरह, तो इसके बारे में पूरी डिटेल हम कवर करेंगे। 85 प्लस की नंबर की जो तैयारी है आप इस तरह से कर सकते हैं, फ्री में इसकी तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पिछली वाला ही रहेगा या इसका कुछ चेंज रहेगा, साथ ही बुक्स, किन बुक्स आपको स्टडी करनी चाहिए, इसके अलावा नोट्स जो वगैरह है ये आपको कहाँ पर अवेलेबल हो पाएंगे, इसके अलावा रिटर्न जो एग्जाम होगी उसका क्या स्ट्रेटजी है वो हम आपको बताएंगे, तैयारी कैसे आप कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे, पेपर कैसा आता है और कहाँ से आता है ये भी हम आपको बताएंगे। आपको बताइए कि पिछली बार हमने काफी सक्सेसफुल सीरीज लॉन्च की थी एमपी की कांस्टेबल की एग्जाम की, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा पेपर कितने नंबर का होगा, ये हम आपको बताने वाले हैं। ये सभी पॉइंट अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके बिना काम का नहीं है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। गाइस, सबसे पहला सवाल आपका है कि ये जो वैकेंसी है कब आएगी और इसमें कितनी पोस्ट आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भर्ती है कब आएगी। गाइस, भर्ती जो आएगी ये मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव आपका कब है, नवंबर दिसंबर में, क्योंकि आप सभी को पता है जितनी भी वैकेंसी अभी आ रही है ये चुनाव की वजह से आ रही है। चुनाव नहीं होता 2023 में तो ये वैकेंसी नहीं आती, आपको ये सभी को क्लियर ही है और आपको क्लियर होना भी चाहिए क्योंकि चुनाव की वजह से ही वैकेंसी आ रही है। अब देखिए, चुनाव है कब है, नवंबर दिसंबर 2023 में, उससे पहले इनको 1,00,000 वैकेंसी पूरी फिल करवाना है, 1,00,000 वैकेंसी इनको देना है पहले पूरी। अब देखिए, ये जो 1,00,000 वैकेंसी है इसमें कांस्टेबल की, पटवारी की, एसआई और आपका आबकारी आरक्षक जैसे कि आ चुका है उसका नोटिफिकेशन, तो सारी जो भर्तियां हैं ये आपको मिलेंगी। गाइस, एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी 1,00,000 जो पोस्ट है इनसे रिलेटेड एक वो पीडीएफ भी वायरल हो रहा है जिसमें सभी की पोस्ट दिखा रखी है उसने कि कौन से कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आएगी। तो गाइस, उस हिसाब से अगर हम देखें तो गाइस, आबकारी जो आरक्षक की वैकेंसी आई है उसमें पोस्ट और वो जो वायरल हो रहा है उसमें पोस्ट में डिफरेंस है, इसलिए उसको नहीं माना जा सकता है। हाँ, कुछ हद तक उसको माना जा सकता है कि वैकेंसी जितनी भी वहाँ पर मेंशन है सभी आएंगी, उसमें कांस्टेबल की हमने देखा था तो सभी जो वैकेंसी जो जो मेंशन है वहाँ पर वो आने वाली है, इसके अलावा जो उसमें मेंशन है वो भी आपकी आने वाली है। क्लियर है? तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, काफी सारी वैकेंसी आने वाली है, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें आपकी वैकेंसी नहीं आने वाली है। आचार संहिता की बात करेगा हम सबसे पहले, क्योंकि चुनाव नवंबर दिसंबर में और जून जुलाई में आचार संहिता लग जाएगी, जून जुलाई के समथिंग लगेगी, हम एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहे, यानी 6 महीने के समथिंग पहले लग जाती है ऐसा गवर्नमेंट बताती है। कोई भी गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन होता है वगैरह तो ये चीज़ें जो है फिर नहीं हो पाती है, 6 महीने का इनको पहले का टाइम दे रखा होता है इस तरह से। तो हम आपको ये जो बता रहे हैं ये पूरा 100% श्योर नहीं है, बट एक हम अनुमान से आपको बता रहे हैं कि कब तक ये वैकेंसी आपकी आएगी। और अभी जो है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, कि अभी जो है 40,000 जो भर्तियां हैं ये नवंबर में ही रिलीज की जाएगी, और नवंबर में अभी टाइम है यानी अभी 10-15 दिन बाकी है, 10-12 दिन, तो हो सकता है कि यही आपको देखने को मिल जाए। नवंबर 2022 से जून 2023 तक का टाइम है आपके पास में, आपकी जो एग्जाम होगी, काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि इसकी एग्जाम कब तक होगी, तो गाइस इसकी जो एग्जाम होगी ये आपकी फरवरी से पहले पहले नहीं होगी, फरवरी में हो सकती है पर फरवरी से पहले नहीं होगी। क्लियर है? तो आप निश्चिंत रहिएगा इस चीज के लिए और अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि आपके पास में दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और जनवरी तक आपको पास में पूरा टाइम है, हो सकता है फरवरी में आपकी एग्जाम हो जाए, हो सकता है मार्च में भी हो जाए, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बट फरवरी से पहले आपकी एग्जाम नहीं होगी, इस बात की तो हम श्योरिटी देते हैं। क्लियर है? तो ये चीज आप लिख के रख लीजिएगा। इसके अलावा एक और चीज बता दूंगा, 6 से 7 महीना जो है ये टाइम है आपके पास में। अब देखिए, 6 से 7 महीने ये ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल की एग्जाम का है, ये सभी एग्जाम को मिला के कह रहे हैं, 7-8 महीने में ये पूरी वैकेंसी सभी जितनी भी पोस्ट निकलेगी उनको सभी को फिल कर देंगे, हो सकता है कुछ एग्जाम बाद में भी हो चुनाव के बाद में, तो ये तो आई थिंक आपका क्लियर हो चुका होगा। देखिए, नवंबर और दिसंबर, नवंबर माह में और दिसंबर माह में आपकी वैकेंसी आ जाएगी कांस्टेबल वाली, इस बात का आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आपकी वैकेंसी आ जाएगी और ज्यादातर जो चांस है ये नवंबर में ही ये वैकेंसी आने के चांस है कांस्टेबल की। क्लियर है? और अगर हम बात करें कितनी पोस्ट पर ये वैकेंसी आएगी, तो गाइस ये जो वैकेंसी आएगी, अभी एक लेटर, एक न्यूज़ वाला जो पेपर वायरल हो रहा था स्क्रीनशॉट, उसमें कहा गया था कि 7,500 के समथिंग जो है ये आपकी आएगी। गाइस, 7,500 वैकेंसी आएगी,
बट आप मान के चलिएगा 7500 से वैकेंसी जो है बढ़कर आएगी, इससे ज्यादा ही आएगी, इससे कम नहीं आएगी। 7000 7500 से ज्यादा ही पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे, इससे कम तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। और एक और चीज मैं बता दूंगा आपको, ये मैंने आपको पिछले साल का नोटिफिकेशन रख दिया है, ये 2017 का ये है। और इसमें देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 8/6/2017 को ये आवेदन भरने की तिथि प्रारंभ हुई थी, और उसमें जो टाइम दिया था ये 7 जुलाई दिया था, 8 जून से 7 जुलाई, यानी एक महीने के करीब का यहाँ पर टाइम दिया था। एग्जाम कब थी? तो एग्जाम थी 19 अगस्त 2017 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना टाइम इन्होंने दिया था, आई थिंक इतना ही टाइम अब देखने को मिलेगा, बट फरवरी से पहले अभी आपकी एग्जाम नहीं होगी। अगर आप आज भी नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है तो आपकी फरवरी से पहले तो नहीं होगी, क्लियर है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और इसमें बात करते हैं एज लिमिट की, एज लिमिट क्या रहेगी आपकी। देखिए यहाँ पर ये आपका नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट आपने रखा है ताकि आपको प्रूफ भी दिया जाए साथ में कि हम चीजें जो बता रहे हैं वो आपको पूरी जो नोटिफिकेशन में है वही बता रहे हैं, कुछ अलग से नहीं बता रहे हैं। देखिए गाइस सीधी भर्ती के लिए जो आपकी आयु सीमा है ये 18 से 25 साल है। इसके अलावा पुरुष आरक्षित जो वर्ग के पुरुष है उनकी 18 से 33 साल है। महिला अनारक्षित की आपकी जगह पुरुष अनारक्षित जो है इनकी जो आयु सीमा है ये 18 से 33 साल है। महिला अनारक्षित वर्ग की 18 से 38 साल है, यानी इसमें ज्यादा ही महिलाओं को ज्यादा यहाँ पर एज लिमिट दी गई है पुरुष के मुकाबले महिलाओं को। इसके अलावा अगर हम आरक्षित की बात करें महिला और पुरुष दोनों में, तो यहाँ पर 18 से 38 साल ही महिला एवं पुरुष आरक्षित वर्ग के लिए देखने को मिलेंगी। आरक्षित वर्ग यानी ST SC और OBC जिनको आरक्षण दिया जाता है, ST SC OBC इनके पुरुष और महिलाओं को 18 से 38 साल होता है, बाकी अनारक्षित होता है इसको छोड़कर उनके लिए 18 से 38 रहेगी महिला और पुरुष की रहेगी 18 से 33 साल। तो ये तो आई थिंक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम पद एवं योग्यता की बात करते हैं गाइस, तो पद एवं योग्यता की बात करें, देखिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन का ही हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट रख दिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए आरक्षक जो GD होती है इसमें, आरक्षक GD का इसमें 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अनारक्षित अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक योग्यता ये है, क्लियर है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक जो योग्यता है ये 8वीं पास अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ये अनुसूचित जनजाति में है, याद रखिए। इसके अलावा आरक्षक जो चालक होता है ये ड्राइवर का है, 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और 8वीं कक्षा अनुसूचित जनजाति हेतु 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये रेडियो ये GD के लिए है और ये ड्राइवर के लिए, दोनों हमने आपको चीजें बता दी है, इसमें इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगा है, आप आसानी से आई थिंक आप सभी के पास ये चीजें तो होंगी। अब आप बात करते हैं शारीरिक मापदंड की, वैसे शारीरिक मापदंड यहाँ पर होता है, मेजरमेंट होता है, उसमें मापदंड में पुरुष महिला और पुरुष आरक्षित तीन वर्ग में ये होती है। वैसे हम तीनों आपको बता देते हैं, देखिए पुरुष जो होते हैं नॉर्मली बिना जो कि अनारक्षित वाले पुरुष, उनकी जो ऊंचाई है ये 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और सीना जो होना चाहिए 86 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। पुरुष आरक्षित की बात करें तो 160 सेंटीमीटर ऊंचाई, 76 से 81 सेंटीमीटर, ये जो 86 और 81 है ये बिना फुलाए 81 होना चाहिए, फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। इसी तरह पुरुष आरक्षित में 160 सेंटीमीटर ऊंचाई और 76 बिना फुलाए हुए सीना, 81 फुलाने के बाद में, क्लियर है। और अगर हम बात करें महिलाओं की ऊंचाई की तो 158 सेंटीमीटर ऊंचाई महिलाओं की इसमें होनी चाहिए, क्लियर है। तो आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर होगा गाइस, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं क्योंकि आपको आगे भी इसकी जरूरत होगी। अब हम बात करते हैं वेतनमान की गाइस, इसमें वेतनमान क्या कैसे रहता है, तो देखिए तीन अलग अलग कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड किया है। आरक्षक की बात अगर हम करें तो आरक्षक का जो वेतनमान है ये 5200 से 20200 के बीच में रहता है और 1900 रुपये ग्रेड पे अलग से रहता है, क्लियर। इसी तरह प्रधान आरक्षक कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो सेम यहाँ पर 5200 से 20200 के बीच में और इनका जो ग्रेड पे है थोड़ा ज्यादा रहता है, 2100 ग्रेड पे इनका रहता है। वही बात करें सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर की तो इनका भी सैलरी सेम रहती है 5200 से 20200, बट ग्रेड पे है जो है ये बढ़ जाता है 2400 रुपये इनका रहता है। तो ये वेतनमान वाली लिस्ट है, आप एक बार देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम पेपर कितने नंबर का होगा। देखिए काफी लोगों को इसमें कंफ्यूज है कि पेपर कितने नंबर का होगा, पेपर अब 100 नंबर का आएगा कि 200 नंबर का आएगा। मामा जी बार बार बोल रहे हैं कि 50% जो मार्क्स आएंगे वो लिखित के होंगे और 50% फिजिकल के होंगे, तो पेपर ऐसे कितने का होगा, इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन आपके होंगे। गाइस मैं आपको बता दूं जो पेपर रहेगा वो बिल्कुल 200 नंबर का आपका रहेगा। कितने का? 200 अंक का पेपर रहेगा। किस तरह से रहेगा मैं आपको बता दूं, 200 नंबर का पूरा पेपर रहेगा, 100% पेपर रहेगा 200 अंक का, 50% आपका लिखित परीक्षा का रहेगा और 50% शारीरिक दक्षता परीक्षा का रहेगा। इस तरह से 200 अंक में डिवाइड हो जाएंगे, तो उस तरह से आपका फुल जो पेपर रहेगा ये 200 अंक का ही रहेगा, 200 अंक का रहेगा। अब मैं एक और चीज आपको बता दूं, लिखित परीक्षा जो होगी ये 100 अंक की होगी, 100 अंक इसमें लाने होंगे, मतलब 100 अंक टोटल पूर्णांक 100 का रहेगा, जैसा आप बताएं सेम वैसा ही आपकी लिखित रहेगी। बट गाइस पहले जो शारीरिक परीक्षा होती थी फिजिकल होता था, उसमें पहले आपको क्या है क्वालिफाई आपने कर लिया, यानी आपने फिजिकल निकाल लिया, उसके बाद में डायरेक्टली आपका सिलेक्शन हो जाता था, क्लियर है। मेरिट आने के बाद में अगर उसमें आ जाता था तो आपका सिलेक्शन हो जाता था, बट अब आपका ऐसा नहीं रहेगा। अब 100 नंबर आपको जैसे पेपर में एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करना रहता है, उसी तरह यहाँ पर भी शारीरिक फिजिकल में भी आपको हाईएस्ट स्कोर करना होगा। हाईएस्ट स्कोर करने से मतलब ये आपका कि 100 अंक का वो रहेगा, अब आप उसमें जितने भी नंबर ले आते उसके बाद में आपकी अलग से एक मेरिट बनाई जाएगी, लिखित का और शारीरिक दक्षता का जो दोनों का नंबर मिलाकर जिसके ज्यादा आएगा उस हिसाब से मेरिट बनाकर उस हिसाब से रिजल्ट निकाला जाएगा। तो आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि आपका जो है, और एक और चीज मैं बता दूं,
गाइस पहले क्या होता था कि फिजिकल पास करने के लिए परीक्षा जो पास करने के बाद में फिजिकल होता था, अब भी ऐसा ही होगा, बट अब क्या होगा गाइस आपका कि अब जो है आपको दोनों दोनों चीजें आपको देखने के मिलेगी, लिखित भी आप दे सकेंगे और फिजिकल भी आप दे सकेंगे। इसमें अगर क्वालिफाई होते हैं तो आपको जल्दी से यहाँ पर भी चांस मिल जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको करना होगा तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा स्कोर आप करेंगे उसके लिए आपके लिए वही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी मेरिट आपको देखने को मिलेगी। तो 200 नंबर का पेपर रहेगा, 200 नंबर में इनको डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं कि गाइस जो पेपर रहेगा लिखित परीक्षा का, इसका सिलेबस क्या रहेगा, नया सिलेबस। तो गाइस नया जो सिलेबस है ये सेम है पुराने वाला ही, इसमें कुछ भी चेंजेस अभी तक देखने को नहीं मिला है। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक का आएगा, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंक की आएगी, विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 अंक का आएगा। इस हिसाब से 100 अंक का पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा, 120 मिनट का, ये आप पूरा देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन है। ये पूरी चीज हमने आपको बता दी। इसके बाद में अगर हम बात करें शारीरिक दक्षता टेस्ट की, जैसे शारीरिक दक्षता परीक्षा की, तो ये कुल 100 अंक का आपका रहेगा। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि इसमें दौड़ में कितने नंबर मिलेंगे, गोला फेंक में, लंबी कूद में कितने नंबर और कितने चांस यहाँ पर मिलेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक डिटेल बता देता हूँ। 800 मीटर दौड़ इसमें रहेगी और पुरुष जो पुरुष है, पुरुष कैंडिडेट है, उनको 2 मिनट 45 सेकंड में इसको क्वालिफाई करना है। देखिए पहले जो है ये टाइम निकालना था और आपका फिजिकल निकल जाता था, बट अब ऐसा रहेगा जो पहले जितनी कम टाइम में निकालेगा उसको उतने ज्यादा अंक मिलेंगे। यानी 800 मीटर दौड़ के लिए जो जितने कम टाइम में निकालेगा उसको ज्यादा अंक मिलेंगे, जो 2 मिनट 45 सेकंड लेंगे उसको कम अंक मिलेंगे, और जो 2:45 के बाद में रहेगा उसको अनक्वालीफाइड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अंक दिए जाएंगे। 800 मीटर दौड़ महिलाओं को 4 मिनट में, भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड को 3 मिनट 15 सेकंड में यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा। गोला फेंक की बात करें गाइस 19 फीट गोला फेंकना होगा और गोले का जो वजन है ये होता है 7 किलो 260 ग्राम, पुरुष के लिए ये है, और महिलाओं के लिए 15 फीट फेंकना रहेगा, इसका वजन 4 किलोग्राम रहेगा। वहीं भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड को 15 से 17 फीट के बीच में और इसका जो वजन रहेगा 7 किलो 260 ग्राम के बीच में रहेगा। अगर हम बात करें गाइस अब लंबी कूद की, तो लंबी कूद जो होती है पुरुषों के लिए 13 फीट रहेगी, महिलाओं के लिए 10 फीट रहेगी, और होमगार्ड के जो पूर्व भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड है उनके लिए 10 से 12 फीट के बीच में रहेगी। तो ये पूरी जो चीजें हैं ये फिजिकल टेस्ट की है, इसमें आप जितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं उतने अंक आपको मिल जाएंगे। तो आपको अब जो है तैयारी भी साथ में करना है। देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, अब आपको जो कि तैयारी करनी है तो आपको फिजिकल की और आपकी जो कि रिटर्न एग्जाम की दोनों की तैयारी साथ साथ करना है, क्योंकि दोनों में आपको परफॉर्मेंस अच्छा लाना है, अच्छा स्कोर करना है। पहले तो ऐसा था कि आप 1 महीने अच्छे से तैयारी कर लो तो आपका फिजिकल निकल जाता था, जो लोग अच्छे होते हैं उनके आई थिंक निकल जाता था, बट अब आपको जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि स्कोर करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, किस सब्जेक्ट कौन सा नंबर पर आएगा। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर व्यापम के नोटिफिकेशन में मेंशन है ये खिचड़ा कि यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान ये इस तरह से, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आता है और हम समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उस तरह से कुछ आता ही नहीं है। हमें सिंपल भाषा में ये समझना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट किस कितने नंबर का आता है। जैसे कि आपको बताया सामान्य जो ज्ञान होता है एमपी का और नेशनल का और एक दो क्वेश्चन इंटरनेशनल के मिला के ये पूरा 20 नंबर का आता है। इसके अलावा साइंस जो आता है ये 15 नंबर का आता है, रीजनिंग आती है 35 नंबर की, और आपका मैथ्स आता है 30 नंबर का। ये पूरा जो डेटा हमने दिया है आपको 20, 15, 35 और 30, ये आपका 2022 में जो एग्जाम हुई ना कांस्टेबल की अपडेटेड डेटा है। तो आप अगर एक बार देखना चाहें तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिएगा किसमें कितने नंबर के क्वेश्चंस बने हैं, आपको यही डेटा देखने को मिलेंगे। एक दो क्वेश्चंस हो सकता है आगे पीछे देखने को मिल जाए, क्लियर है। तो ये आप याद रखिएगा। और गाइस इस बार क्या हुआ है, सामान्य ज्ञान और विज्ञान जो है ये आपके सबसे पहले जीके के क्वेश्चंस मिले, उसके बाद साइंस के, फिर आपको देखने को मिले रीजनिंग और फिर मैथ्स, इस तरह से क्वेश्चन मिले। पहले क्या होता था साइंस लास्ट में पूछा जाता था, जीके फर्स्ट में पूछा जाता था, और बीच में मैथ्स और रीजनिंग दिया जाता था। तो आज इस बार जो है साइंस नीचे से उठाकर ऊपर से एक पोर्शन नीचे कर दिया है उन्होंने, ये थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है। कभी कुछ क्वेश्चन ज्यादा होते थे, कभी कम होते थे। तो ये बेसिक डिटेल है जो कि आपको समझना चाहिए, और ये स्क्रीन शॉट आप रख लीजिएगा अच्छे से संभाल कर, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। गाइज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है तो कौन सी चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो आप बिना काम की चीज़ें पढ़ते रहें और वो आपके एग्जाम में भी ना आए। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सामान्य जो ज्ञान आता है ये जीके नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल के एक दो क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको करवा देंगे इसी चैनल पर, आप उसके लिए डोंट वरी। बाकी गाइस सामान्य जो ज्ञान आता है जीके, इसके अलावा करंट अफेयर आता है नेशनल लेवल का, तो ये दो चीज़ें आपकी रही। इसके अलावा एमपी जीके आता है इसमें, और इसमें एमपी का करंट अफेयर आता है। तो गाइस ये नेशनल जीके, नेशनल करंट अफेयर, एमपी जीके, एमपी करंट अफेयर, ये आपका जीके वाले पोर्शन में आता है। साइंस वाले पोर्शन में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके अलावा एनवायरमेंट वगैरह भी आता है, पर्यावरण ज्ञान से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। रीजनिंग में आपकी बेसिकली रीजनिंग ही आती है, आप सभी को ये तो पता ही है। बाकी मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में मैथ्स एडवांस मैथ्स भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये जो है टॉपिकों में हमने बांट दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम थोड़ा सा और डीपली चल के आपको बताते हैं कि एग्जैक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह का आपका लेवल रहता है। गाइस जो जीके का क्वेश्चन का लेवल रहता है वो मीडियम टू मॉडरेट रहता है, अकॉर्डिंग टू 2022 की एग्जाम को देखते हुए, 2020 की कांस्टेबल की एग्जाम 2022 में हुई थी उसको देखते हुए मीडियम टू मॉडरेट हम कह सकते हैं, क्योंकि काफी डीपली क्वेश्चन हमें जीके के देखने को मिले, क्लियर है। इसके अलावा साइंस भी काफी डीपली पूछी गई है, काफी डीपली पूछी गई है, जैसा व्यापार में पूछा जाता है काफी डीपली पूछी गई है, मॉडरेट इसको भी कहा जा सकता है। रीजनिंग और ये जो मैथ्स है ये बिल्कुल एडवांस लेवल के पूछे गए, अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल। और गाइस कुछ क्वेश्चन तो आपको गलत नंबर अंक दे दिए गए, गलत नंबर दे दिए गए थे, इस तरह से पूछे गए थे, तो वहां पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था बच्चों को। तो यहाँ पर एडवांस इसको कहा जा सकता है, मीडियम टू एडवांस,
ये बेसिक लेवल है जो आपके एग्जाम में बनता है। अगर हम ऐसा कहना चाहे गाइस इसको, तो मीडियम टू मॉडरेट कहा जा सकता है कि आपका जो पेपर आता है मीडियम टू मॉडरेट लेवल का आता है, बिल्कुल मीडियम भी नहीं आता है। ये आपको थोड़ी सी चीजें समझनी है। अब हम थोड़े से एक स्लाइड और आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि आपको किन बुक से इनकी स्टडी करनी चाहिए ताकि आप अच्छे से कवर इनको कर ले एग्जाम से पहले। तो गाइस सामान्य ज्ञान अगर हम बात करें नेशनल लेवल का, तो इसके लिए आप लुसेंट से कर सकते हैं, लुसेंट से। अदरवाइज हमने काफी सारे टॉपिक आपके लिए संभाल कर रखे हैं जो आपके एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे। जिन जिन टॉपिकों से क्वेश्चन बने थे आपके, वो सभी टॉपिक हमारे पास है अभी, और उन सभी के क्वेश्चन भी हमने कलेक्ट कर लिए हैं। हम उनके ऊपर पूरा रिसर्च करके एक वीडियो बनाएंगे, एक नहीं अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, नेशनल जीके तो हम आपको पूरा कवर करवा देंगे। इसके अलावा एमपी जो जीके हैं उसके लिए आप महावीर की बुक ले सकते हैं, मुकेश महेश्वरी, और भी बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएगी जो भी आपके लिए है, बेस्ट है, उसी से तैयारी करिएगा। बट हम आपको सोर्स बता रहे हैं कि आप इनसे भी कवर कर सकते हैं, क्लियर है। इसके अलावा गाइस एक और चीज मैं आपको आगे बताऊंगा प्लस में क्या है, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। बट अभी मैं आपको करंट अफेयर के ऊपर लेकर आता हूँ, मध्य प्रदेश करंट अफेयर आपको कहाँ से कवर करना चाहिए। तो गाइस करंट अफेयर अगर आपने कहीं से कवर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप करते रहिएगा वहीं से जहाँ से आप कर रहे हैं। अदरवाइज अभी तक आपने नहीं किया है तो आप YouTube पर भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हमारे वीडियोस भी आते हैं वहाँ पर, उनसे भी आप कवर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़े से पैसा आप अगर खर्च करना चाहते हैं कि आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर, तो गाइस उसके लिए आप बेस्ट ईबुक आपको मिल जाएगी। क्या है कि इसमें थोड़ा सा पैसा तो आपको लगेगा, बट जो कंटेंट है आप वीडियो सर्च करने में इधर उधर जाने में से परेशान होते हैं, उसका जो इतना जो टाइम वेस्ट होता है ये आपका, ये टाइम वेस्ट नहीं होगा इस ईबुक में। इस ईबुक में कुछ भी बेकार का जो मटेरियल है ये देखने को नहीं मिलेगा आपको। पूरी ईबुक इस तरह से डिजाइन की है कि आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, और काफी ज्यादा उसमें हमने अट्रैक्टिव उसको बनाने की कोशिश की ताकि आपको पढ़ते से ही समझ में आ जाए। इसलिए वहां पर एमसीक्यू फॉर्मेट में हमने डाला है, एक्सप्लेनेशन डाला है उसका पूरा, और हमने इमेजेस भी ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश की है ताकि आप जो चीज पढ़ रहे हैं जिस क्वेश्चन के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो वहां पर इमेज में भी आपको देखने को मिल जाए, तो आपके दिमाग में अच्छे से क्लिक हो जाएगा कि आपने क्या क्वेश्चन पढ़ा था और किस तरह का वो क्वेश्चन था। तो इसलिए हमने ज्यादा इमेजेस पे जोर दिया है वहां पर, उसमें काफी ज्यादा इमेजेस भी हमने यूज की है ताकि आपको अच्छे से वो आपके माइंड में चीजें छप जाए, क्लियर है। तो आप एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कीजिएगा, डेमो अगर चेक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहीं पर आपको डेमो मिल जाएगा एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप करंट अफेयर कवर कर लीजिएगा 2021 और 22 का दोनों साल का आपको मिल जाएगा। इसके अलावा विज्ञान आप कहां से कर सकते हैं, साइंस के लिए लुसेंट और एनसीईआरटी आप ले सकते हैं, और मैं तो ये कहूंगा गाइस कि आप पीवाईक्यू लगा लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्लियर है। जितने भी व्यापम के प्रीवियस ईयर पेपर है उन सभी के साइंस आप लगा लीजिएगा, आपकी साइंस कवर हो जाएगी। रीजनिंग की अगर हम बात करें गाइस तो आर एस अग्रवाल से आप कर सकते हैं, मैथ्स के लिए भी आर एस अग्रवाल आप कर सकते हैं, अगर आप पहले से किसी और से कर रहे हैं तो आप उसी से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप अब इस पर आएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो आप जिससे भी कर रहे हैं उससे कर सकते हैं। ये हम आपको एक सोर्स बता रहे हैं कि आप इनसे कर सकते हैं, क्लियर है। अभी तक आपने स्टडी नहीं स्टार्ट किया और आप करना चाह रहे हैं तो इनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि गाइस आप पहले किसी और बुक से कर रहे हैं, हम बताने के बाद भी इससे कर रहे हैं, तो आपके उसके बाद में क्या ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो ये आप बिल्कुल मत कीजिएगा। जिससे आप कर रहे हैं अभी उसी से आप कंटिन्यू करिएगा, क्लियर है। और कंटिन्यू करने के बाद में आप इनसे टेस्ट जरूर से एक बार लगा लीजिएगा, आपको ऑनलाइन बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी आर एस अग्रवाल वगैरह की, तो वहाँ से आप इनके जो टेस्ट है एक बार लगा लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो करंट अफेयर है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 2021 की ये करंट अफेयर है हमारी, बेस्ट करंट अफेयर है मध्य प्रदेश की। फिर भी कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ईबुक है गाइस इसमें आपको पूरा टॉपिक वाइज भी मिलेगा, और 20+ टॉपिक है मध्य प्रदेश की, जैसे कि चर्चित निधन पुरस्कार वगैरह, पद्म पुरस्कार, खेल पुरस्कार, खेल से रिलेटेड स्पोर्ट्स करंट अफेयर हो गया आपका। इसके अलावा नई नियुक्ति हो गई वर्तमान में, कौन क्या हो गया, और भी काफी ज्यादा जो टॉपिक्स रहते हैं उन सभी टॉपिकों को इसमें हमने इंक्लूड किया है। इस तरह से 20 टॉपिक है पूरे, उनको डाला है। मंथली करंट अफेयर डाला है जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का पूरा है, तो आप एक बार डेमो चेकआउट कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। इसी तरह 2022 का भी पूरा आपको मिलेगा, इसमें हमने आपको महीनेवार समसाइकी दी है, महीनेवार करंट अफेयर दिया है जनवरी से दिसंबर तक का। अभी गाइस हमने क्या है कि इसमें जो है नवंबर तक का पूरा अपडेट कर दिया है, अक्टूबर तक का, नवंबर खत्म होगा तो नवंबर का भी आपको मिलेगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज भी पूरे हमने अपडेट कर दिए, जिसके मध्य प्रदेश में पहली बार, और इसके अलावा मध्य प्रदेश का बजट, मध्य प्रदेश में कौन क्या नवीनतम नियुक्तियां जितनी भी हुई है, मध्य प्रदेश में चर्चित निधन 2022 के पुरस्कार, खेल पुरस्कार, इसके अलावा स्पोर्ट्स अवार्ड, जो भी चीजें हैं जितनी भी नेशनल लेवल के बन सकते हैं मतलब मध्य प्रदेश के टॉपिक वाइज, वो पूरे हमने इसमें डाले हैं। आप एक बार डेमो जरूर चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, और कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एमपी जीके आप कहां से कवर करें, ये क्वेश्चन आपका रहता है एमपी जीके का, हमने आपको बताया था कि एमपी जीके में आपको बाद में बताऊंगा यहाँ पर। तो गाइस मैं बता दूं आपको, एमपी जीके के लिए हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है, ये कोर्स जो है इसमें आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फाइल तीनों प्रोवाइड की गई है। ये अभी कंप्लीट हो चुका है आपका, तो अब जैसे ही इसमें इनरोल करेंगे तो आपको पूरा कोर्स एक साथ मिल जाएगा, आप एक साथ पूरी वीडियो वॉच कर सकते हैं और आपको पूरी चीजें यहाँ पर मिलेगी। टेस्ट आप देख सकते हैं वहाँ पर, वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं और पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगी, क्लियर है। तो ये कोर्स है हमारा मध्य प्रदेश एमपी जीके स्पेशल कोर्स का, तो इसमें टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ फाइल सभी है, और कुछ डाउट है कुछ क्वेरीज आप अपने नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से पूरा आपका एमपी जीके कवर हो जाएगा। इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन हमने कवर आपके करवाए, क्लियर है। तो काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है 50% का, अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 85+ की तैयारी आप इस तरह से कर सकते हैं। 85+ की तैयारी आपको करने के लिए क्या करना होगा गाइस, इसके लिए आपको देखिए दो पोर्शन में हमने इसको बांट दिया है, सामान्य ज्ञान और एमपी जीके को। आपको एमपी जीके और सामान्य ज्ञान दोनों को अलग अलग लेकर चलना है। टॉपिक हम आपको बता देंगे कि सामान्य ज्ञान के कौन कौन से, एमपी जीके के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन से नहीं पढ़ना है, क्लियर है। तो उनको आपको एमपी जीके और जीके के दोनों के एक एक टॉपिक डेली आपको कवर करना है। अब इनका आपको रिविजन
ऐसा नहीं है कि रिवीजन आपको करना है, आपको अच्छे से इनको कवर करना है, याद करते चलना, क्लियर है। तो इनको एक एक टॉपिक डेली आपको करना है, ऐसा आपको 30 दिनों तक करना है। कितने दिन तक? 30 दिनों तक आपको करना है, 30 दिनों तक एक टॉपिक करना है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपके 30 टॉपिक कवर हो जाएंगे नेशनल लेवल के और एमपीजी के, क्लियर है। इसके बाद में आपको साइंस का भी ऐसा ही करना है, एक टॉपिक एक दिन में आपको खत्म करना है। तो 30 दिन में कितने हो जाएंगे? 30 टॉपिक आपके हो जाएंगे। इतने चैप्टर नहीं रहते हैं साइंस में, मुश्किल से 10 12 15 20 मान सकते हैं आप, इससे ज्यादा नहीं रहते, बट आप 30 दिन आप मान लीजिएगा। रीजनिंग का भी आप ऐसा ही करिएगा, 30 दिन में एक दिन में एक टॉपिक ही कवर करेंगे, तो 30 दिन में 30 आपके इसके हो जाएंगे और 30 इसके हो जाएंगे मैथ्स के। तो इस हिसाब से आपका पूरा कवर हो जाएगा, ये बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा। एक एक चैप्टर आप डेली लगाएंगे, तो उसके बाद में कैसे आपका एक महीना निकल गया और एक महीना आपका बच्चा है और एक महीना लास्ट, 3 महीने आपके पास में है। इसके बाद में आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा। प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? जो बुक्स आपने लगाई है उनके पीछे ही एमसीक्यूज होते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर वहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको नहीं मिल पा रहे तो गाइस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, काफी सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, क्लियर है। आप हमें कमेंट बता दीजिएगा, क्वेश्चंस हम आपको डाल देंगे टेलीग्राम पर, आप जहाँ बताएं आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, वहाँ पर जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। बुक्स के पीछे भी काफी सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे जो आपका बुक्स होती है उसमें, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप रिवीजन स्टार्ट कर दें, रिवीजन स्टार्ट करने के बाद में क्या करना है वो मैं आपको आगे बता दूँ, क्लियर है। तो गाइस यहाँ पर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन हमने सेंड ऑलरेडी कर रखे हैं और भी हम कर देंगे, जहाँ से आप अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है, देखते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक एमपीजीके में पढ़ने हैं नहीं पढ़ने, उनकी वीडियोज हम आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश में आपका इस बार जो क्वेश्चन बने थे एमपीजीके में, वो ये मध्य प्रदेश के जो संगीतकार हैं उनसे क्वेश्चन बने थे, मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनसे क्वेश्चंस बने थे, मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट है एमपी हाई कोर्ट उससे क्वेश्चंस बना था। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस बने थे नदियों से मंदिरों से क्वेश्चंस बने थे मंदिरों से, इसके अलावा और भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस बने थे अलग अलग टॉपिक से। ये जो ऐसे टॉपिक है मध्य प्रदेश के टॉपिक वाइज वीडियो, इन सभी की वीडियोज हम आपके लिए लेकर आए, मध्य प्रदेश की टॉपिक वाइज वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आ रहे, जिसमें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में डिटेल में या वन लाइनर में जैसा भी होगा आपको ज्यादा ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपका कवर करवाते चले। अब देखिए ये जो चीजें हैं ये करने के बाद में आपका रिवीजन स्टार्ट आपको करना है। 85 प्लस की तैयारी में आप एमपी का जो करंट अफेयर है या एमपीजी के, इसके लिए आप यूट्यूब की मदद भी ले सकते हैं। एमपीजी के टॉपिक वाइज आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा व्यापम के पिछले साल के जो पेपर हैं ये आपको जरूर लगाने होंगे, इनके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। जितने ज्यादा पेपर लगाएंगे ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो सभी सब्जेक्ट में गाइज आपको क्या करना है, कवर होने के बाद में 30 दिन तक आपको कंटिन्यू उसको प्रैक्टिस करनी है एक चैप्टर की। उसके बाद में यहाँ से आपको व्यापम के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और वहाँ से आपको क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आप कई साइंस के लिए और एमपीजी के और करंट अफेयर के लिए यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। यूट्यूब पर हम आपके लिए लगातार वीडियोज लेकर आ रहे हैं, साइंस के भी काफी सारे वीडियोज हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, एमपी करंट अफेयर और एमपीजी के मिल जाएंगे, क्लियर है। बाकी आप PYQ जरूर से लगाइए, PYQ सबसे ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। और लास्ट में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि गाइस आपके लिए एमपीजीके स्पेशल टेस्ट सीरीज में लेकर आ रहा हूं, जिसमें आप एमपीजीके को अच्छे से कवर कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपना स्कोर भी जा सकते हैं। इसके अलावा एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज भी हमारी अभी तक आई थिंक रेडी हो ही चुकी होंगी, थोड़ी बहुत बची है, तो जल्द से जल्द आपके लिए हम एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं। बस आप अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा, आप पहले अपना बेसिक कवर करिएगा, उसके बाद में जल्द से टेस्ट सीरीज भी हम आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं, क्लियर है। तो गाइस यहां पर आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि आपको किस तरह से तैयारी करना है नहीं करना है, क्लियर है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये मैं आपको टॉपिक जरूर से सेंड कर दूंगा आपको, आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्लियर है। इसके अलावा गाइस वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे कमेंट एक अच्छा सा कर दीजिएगा, जो भी आपको पसंद आए वो कमेंट आप कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लेकर आने की कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो जय हिंद वंदे मातरम।